हेलो फ्रेंड, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल फ्यूटर एकेडमी पर बहुत स्वागत है। चलिए आज के वीडियो हम देखेंगे 17 फरवरी 2024 में जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर बनते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर लें इसी तरह के वीडियो पाने के लिए। तो चलिए पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है बी 15 फरवरी को। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 209 प्रश्न, विश्व दरियाई घोड़ा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है ए 15 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 3 नंबर, किस राज्य सरकार द्वारा गुप्तेश्वर वन को जैव विविधता स्थल के रूप में घोषित किया है? इसका सही आंसर है डी, उड़ीसा सरकार ने किया है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 4 नंबर, 4 नंबर प्रश्न बोलता है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ICAI का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है बी रंजीत कुमार अग्रवाल। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 5 नंबर, हाल ही में किसके द्वारा चुनावी ब्रांड योजना को असंवैधानिक घोषित करते हुए रद्द कर दिया गया है? इसका सही आंसर है ए सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखेंगे, नेक्स्ट प्रश्न 6 नंबर देखेंगे, काजी नींबू को किस राज्य के राज्य फल के रूप में नामित किया गया है? इसका सही आंसर है असम। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 7 नंबर, हैमर थ्रोअर रचना कुमारी पर डोपिंग के आरोप में कितने वर्ष का प्रतिबंध लगाया गया है? इसका सही आंसर है डी 12 वर्ष का प्रतिबंध लगाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे हम लोग 8 नंबर, 8 नंबर प्रश्न बोलता है, IRCTC के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा सी संजय कुमार जैन। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे हम लोग 9 नंबर, ICC द्वारा जनवरी 2024 माह के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में किसे चुना गया है? इसका सही आंसर है ए समर जोसेफ। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे हम लोग 10 नंबर, 10 नंबर बोलता है, ICC द्वारा जनवरी 2024 माह के लिए ICC वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में किसे चुना गया है? इसका सही आंसर है ए एमी हंटर। तो थैंक यू फ्रेंड पूरा वीडियो वॉच करने के लिए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबा दे ताकि इसी तरह का और भी वीडियो आपको मिलती रहे। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।